अभी 4 बजे, यहाँ पे धूप तो बहुत तेज। Hi guys, welcome back to my channel and to my new vlog. So, आज हम again and guess what? आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से चिकपल्लम। And आप सोच रहे होंगे चिकपल्लम को क्यों जा रही हो? वहाँ पे क्या है? क्योंकि वहाँ पे है जो कि आदि योगी का एक बड़ा सा स्टैचू हम लोग देखते थे कोयम्बटूर में है, उसका एक सेम आदि योगी का स्टैचू बनाया हुआ है चिकपल्लापुर में, जिस 112 फीट हाइट है उसका, एंड वो बैंगलोर से अराउंड 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अभी बज रहे हैं करीबन 12 एंड वी आर ऑन द वे टू अभी एयरपोर्ट। तो चलिए अभी चलते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. We're stopping on the highway to get some tea. We're drinking tea. So we're going to leave. As you fade away. क्या खा रहा है तू? टिक्की। कैसा है? एक नंबर। तो हम लोग ये दुकान पे आए हैं थोड़ा चाय पीने के लिए। यहाँ पे नारियल पानी भी बिक रहा है और आज बहुत ज्यादा धूप है। Let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you अभी बज रहे हैं 2 और अभी हम लोग 2 घंटे आ चुके हैं एंड ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बट आज बहुत तेज धूप है, बैंगलोर का टेम्परेचर आज 36 डिग्री है। बट ये वाला बैंगलोर से बहुत पास ही है तो वीकेंड डेस्टिनेशन के लिए बहुत परफेक्ट है। आज हम लोग लंच कहीं पे रास्ते पे धावा पे रुक के दोपहर को नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग घर से बना के लाए हैं। तो चलिए अभी गाड़ी में ही बैठ के हम लोग लंच करने वाले हैं और घर का खाना बाहर आके खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। चलिए खाना निकलते हैं। डिक्की ओपन किया। ये है आलू का दम, दम आलू बेसिकली। और ये है पराठे, बहुत यम्मी दिख भी रहा है और होने भी वाला है। लेट्स एंजॉय द फूड। चलते बीच पे एक जगह मिला लेक जैसा दिखा, सोच रहे रुक के जरा देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है। चलिए चलते हैं। ये वाला एक्चुअली देख के ऐसा मतलब सीनरी ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा मूवी में जहाँ पे गाड़ी को मतलब डंप कर रहे थे ना, वैसा वाला फील आ रहा है यहाँ पे। अच्छा है, पानी भी बहुत सुंदर है, बहुत थैंक गॉड। देखो धूप थोड़ा अभी कम हो गया। हाँ, पहाड़ कट के बनाया हुआ है तो
चढ़ना है बेसिकली हम लोगों को। सो यहाँ से रास्ता कट 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 के गया है हम लोग अभी से घूम घूम के ऊपर। तो आप लोग अगर हाईवे पे, जहाँ तक हाईवे खत्म होकर हम लोगों को लेफ्ट होना पड़ता है टुवर्ड्स ये चुपल्ला पुल की तरफ, हाँ उधर आप लोगों को अराउंड 2-3 किलोमीटर रास्ता मैंने जैसे दिखाया वैसे रास्ता खराब मिलेगा, लाइक ऑफ रोड काइंड ऑफ, क्योंकि पहाड़ कट के बनाया हुआ है जैसे बताया आप लोगों को। तो वहाँ तक की रास्ता खराब है, अभी जा रहे चल रहे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पहाड़ घूम घूम के हम लोग को ऊपर उठना है। पहुंच गए हैं आदि योगी के इधर, अभी बज रहे हैं हम लोगों के लिए शाम के 4, क्योंकि हम लोग थोड़े ब्रेक लिए थे बीच में। तो बेसिकली यहाँ पे बैंगलोर से मेरे घर पे आने, मेरे घर से यहाँ पे पहुंचने के लिए लगता है 2.5 आवर्स। तो अभी अभी 4 बजे यहाँ पे, धूप तो बहुत तेज़ है और गाड़ी की लंबी लाइन है यहाँ पे। पार्किंग में आप लोगों को 50 रुपीज़ करके लेते हैं एंड क्या। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग का। अभी हम लोग गाड़ी पार्क किया और यहाँ पर कम से कम thousands of कार आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी गेट, एंट्री गेट है वहाँ, उधर ही जा रहे हैं हम लोग। ये बेसिकली यहाँ पे जो बस का टर्मिनल से एंड कब से कब चलता है उसका डिटेल्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा शू रैक है, तो हम लोग इधर अभी शू रखेंगे एंड फिर अंदर चलेंगे। और इधर छोटे मोटे बहुत सारे दुकान है, एक शॉप काइंड ऑफ है खाना पीना खाने के लिए। चलिए यहाँ पे जूते रख के भी चलते हैं। मैं जूते रख दिए, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली जूते खोलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि जो नीचे का फ्लोर है वो बहुत हॉट हो चुका है और अभी हम लोग इवनिंग में आए हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। चलिए यहाँ पे कुछ है, सो हम लोग अभी अंदर घुस चुके हैं एंड यहाँ पे बोला है कि फोटोग्राफी कम करने के लिए एंड साइलेंट मेंटेन करने के लिए। तो अभी हम लोग सामने की तरफ चल रहे हैं। आफ्टर 14 ईयर्स कोई भी पहन सकता है एंड अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली टेम्पल के ठीक बाजू से स्टेयर्स है, उस स्टेयर्स पे चढ़ के हम लोग ऊपर जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं ऊपर में क्या है।
अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो बेसिकली ये जो आदि योगी का यूनो फाउंडेशन है और ये आदि योगी स्टैचू है चिकोल्लापुर पे, ये मॉर्निंग के 6 AM से रात की 8 PM तक खुली रहती है। एंड आपको बता दूं ये ईशा फाउंडेशन शतपुर की है। स्टैचू देख रहे हो शिव जी की, ये टोटल 112 फीट तक ऊंचाई है इसकी। एंड यहाँ पे शाम के 7 से 8 तक लेजर शो होते हैं, आप देख पा रहे हैं। बेसिकली ये लेजर शो होते हैं शाम के 7 to 8, तो 7 to 7:15 तक यहाँ पे एक डिवोशनल सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं। एंड 7 to 8 तक यहाँ पे वो लेजर शो होते हैं जो कि बहुत सुंदर होने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ पार्किंग के लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेंगे एंड 4 व्हीलर के लिए। एंड यहाँ पे अंदर आप अभिषेक करा सकते हो, जिसकी 50 रुपीज़ है पानी डालने के लिए महाप्रभु के ऊपर। पूजा अर्चना भी करा सकते हो आप वहाँ पे, उसके लिए 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग। अंदर बैठ के आप लोग आराम से ध्यान भी कर लगा सकते हो। एंड ऊपर से पूरा ये जो स्टैचू है आपको घूम भी सकते हो। Seekers had ever witnessed. गाइज ये है आदि योगी चिकवल्लापुर। 1 घंटे हो गए हमें गाड़ी में बैठे हुए और ये देखो ट्रैफिक इधर ही है ना जाने का। और अभी हम 100-200 मीटर आए होंगे, बहुत बुरा हाल है। अभी पता नहीं 1-8 घंटे और लगने वाले हैं। गाइज एक्चुअली चिकवल्लापुर से निकलने के लिए हम लोगों को करीबन वो जो ट्रैफिक था, हम लोग 2 घंटे फंसे हुए थे। इट वाज हॉरिबल ट्रैफिक, लाइक हॉरिबल। मतलब मैंने कहीं रिव्यूज में नहीं पढ़ा ये चीज, कहीं ने किसी ने मेंशन में नहीं किया था। एंड हम लोग इतने गंदे फंसे थे, 2 घंटा गाड़ी मूव ही नहीं कर रही है। एंड सब लोगों का वो गलती है कि सब लोग एक साथ एक लेन में चलने के बजाय सबको जल्दी जाना है तो 3-4 लेन एक साथ कर लिए। इट्स वॉज वेरी वेरी हेक्टिक। चलो अभी हम लोग थोड़े चिकवल्लापुर से थोड़े दूर आ चुके हैं। हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था, वो भी भरा लिया। एंड अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए हैं डिनर करने के लिए, तो चलिए चलते डिनर करते हैं। बट हाँ, रिकमेंडेड है अगर आप वीकेंड पे ये चिकवल्लापुर का आदि योगी दर्शन के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप लोग बहुत जल्दी निकल जाओ। अब लाइट शो और लेजर शो के बाद आप निकल रहे हो तो पक्का आप लोग, मतलब हम लोग वहां पे लोगों से भी पूछे, सो दे सेड कि 9:30 to 10 के पहले आप वहां से नहीं निकल सकते हो। तो ये तो एकदम लाइक पक्का है। तो चलिए चलते हैं, अभी हम लोग जाते हैं, जाके डिनर करते हैं, आप लोग भी चलिए साथ में। एंड हम लोगों ने खाना खा लिया एंड चलो डिनर हो चुका है, अभी हम लोग निकलते हैं। अभी बज रहे रात के 11, होप सो 12 तक हम लोग बैंगलोर घुस जाएंगे। ये था हम लोगों का आज का ट्रैवल ब्लॉग आदि योगी चिकवल्लापुर। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों का कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक टेक केयर एंड आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।